हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने का मतलब होता है कि आपके ब्लड में लिपिड यानी कि फैट का बढ़ जाना। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जिन लोगों का लीवर फंक्शन ठीक नहीं रहता या फिर जिनको थायराइड की परेशानी रहती है, कभी जिन लोगों ने स्टेरॉयड लिया हो या फिर जिनका डाइट थोड़ा सा कफजेनिक है यानी कि कफ को बढ़ाने वाला डाइट है, ऐसे लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 के नीचे रहना चाहिए। 160 टू 190 तक नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल कहा जाता है। पर अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 से ज़्यादा हो तो आपके आर्टरी वॉल्स में कोलेस्ट्रॉल एक परत बना देता है, जिससे कि हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, हार्ट प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ये सब होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, और LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने से रोकने के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपायों के बारे में। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो आपको एक कफ पेसिफाइंग डाइट फॉलो करना चाहिए। आपको ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा फैटी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। चीज़, हाई फैट मिल्क, योगर्ट, यह सब चीज़ें आपको कम लेनी चाहिए। फिर मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडे कुछ खाद्य पदार्थ, ऐसी चीज़ें आपको कम खानी चाहिए। आपके खाने में आपको रोज़ लहसुन और प्याज का यूज़ करना चाहिए। आपको दिन में एटलीस्ट आधा घंटा वॉक, एरोबिक, स्विमिंग, ऐसी कोई फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। लहसुन हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को रोकने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लहसुन के एक रोए के साथ आधा चम्मच अदरक और आधा चम्मच नींबू का रस मिला के आप खाने से पहले ले सकते हैं, या फिर एक चम्मच दालचीनी, आधा चम्मच रिकटू को आप 10 मिनट एक कप पानी में घोल सकते हैं, और उसमें एक चम्मच शहद मिला के आप दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। आधा चम्मच रिकटू को एक चम्मच शहद के साथ अगर आप दिन में 2-3 बार लें तो इससे आपके शरीर में एक्सेस कफ या अम का नाश होता है, और ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी रेगुलेट करती है। त्रिफला गुगलू और चित्रक भी कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने में फ़ायदेमंद है। सुबह उठ के आप एक कप गर्म पानी में एक चम्मच शहद मिला के भी पी सकते हैं। इससे भी आपके शरीर में जो एक्सेस फैट है उससे आपको राहत मिलेगा, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी रेगुलेट करने में यह बहुत ही उपकारी है। आप अगर चाहें तो एक चम्मच नींबू का रस या फिर 10 ड्रॉप एप्पल सीडर विनीगर भी इसके साथ मिला सकते हैं। आपको हाई फैट फूड थोड़े कम खाने चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे कि ब्लू कॉर्न, मिलेट, ओट्स, एप्पल, अंगूर, अलमंड्स, ये सब चीज़ें कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने में फ़ायदेमंद होती है। अगर आप चाहें तो भ्रस्तिका प्राणायाम कर सकते हैं, सूर्य प्राणायाम कर सकते हैं, या फिर पद्मासन कर सकते हैं। ये सब योगा पोस्चर भी कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी किस तरह आप आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।